तो गुड न्यूज़ है भाई, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि WWE प्लान कर रही है द रॉक का रिटर्न। यस, रिसेंटली एक रिपोर्ट निकल कर आते कि WWE ने प्लानिंग स्टार्ट कर दिया स्टोरी लाइन की, एंड वो तरीका जहां पर से रॉक अपीयर होंगे WWE टेलीविजन पे। हाँ, ये चीज़ आप कंफर्म मान लो, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको भी बता दूं कि रिसेंटली जो मैंने अपना बताया था वीडियो में कि ग्रेसन वॉलन ने रॉक को टीज किया है, यहां पर से आपको मैं साफ साफ कंफर्म करके बता देता हूं कि ये कोई भी ग्रेसन वॉलर के साथ में कनेक्ट नहीं होने वाला है रॉक का रिटर्न, क्योंकि भाई ग्रेसन वॉलर अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे जहां पर से रॉक अभी स्टैंड करते हैं, एंड ग्रेसन वॉलर अभी उस लेवल पर भी नहीं आया जहां पर से रॉक के सामने खड़े हो या उनको चैलेंज करे कुछ भी टाइप। मतलब अभी ग्रेसन वॉलर को उस चीज़ के जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम पड़ा है। लेकिन आप ये चीज़ कन्फर्म मान लो कि WWE ने प्लानिंग स्टार्ट कर दिया दी रॉक के रिटर्न की। अब इस वक्त अगर मैं आप बताऊं तो रॉक भी बिल्कुल पूरी ही तरह से फ्री है अपना WWE में डेब्यू रिटर्न अपीयरेंस जो भी आप बोल सकते हो करने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि USA में राइटर एंड एक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है, तो इसी वजह से ये एकदम बेस्ट टाइम है रॉक के WWE में रिटर्न करने के लिए। इवन तो अब तो फैंस भी भाई चाहते हैं कि रॉक WWE टेलीविजन पर अपीयर होए। बाकी आप लोग के क्या थॉट है इसके बारे में आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक की थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।